है एवरीवन, आप देख रहे हैं वी टेक और ये वीडियो है चार्जिंग के बारे में। कि शायद आपने नोटिस किया होगा या नहीं कि जब आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं यानी अपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज करते हैं तो जब वो 80% से आगे चार्ज होती है 100 यानी फुल परसेंट तक वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है। यानी 0% से 70% या फिर 80% तक वो जितना टाइम लेती है वो उतना ही टाइम लेती है सिर्फ 20% होने के लिए यानी 80% से 100% होने के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्यों आपके चार्जिंग का रेट काफी स्लो हो जाता है, बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा मैंने कहा, आपका फोन 80-85% से आगे चार्ज होता है 100% तक, उस 15 या फिर 20% के लिए उसका चार्जिंग रेट काफी स्लो होता है यानी वो काफी ज्यादा टाइम लेने लगता है चार्ज होने के लिए। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि जिस टाइप की हम बैटरीज आजकल के स्मार्टफोन में टैबलेट्स में यूज करते हैं उन बैटरीज को चार्ज करने पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो बैटरी उस पॉइंट तक पहुंच जाती है यानी उस पॉइंट तक चार्ज हो जाती है जो बेसिकली 80% होता है 85% होता है, तो उस टाइम के बाद उन बैटरी से कुछ गैसेस रिलीज होती है यानी उन बैटरी के अंदर कुछ गैसेस रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर वो गैस ऐसे ही रिलीज होती रही और जितने अमाउंट का करंट बैटरी में आ रहा है उस पॉइंट के बाद भी उतनी ही क्वांटिटी में उतनी ही अमाउंट में बैटरी के अंदर करंट आता रहा तो उन गैसेस की वजह से उसके अंदर इतनी सारी गैसेस रिलीज होंगी, आपकी बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी यानी आपका फोन फट जाएगा और जो उसके यूजर होते हैं यानी हम, इससे उनको डैमेज हो सकता है और आपका फोन तो जल ही सकता है। बिल्कुल, अगर वो ब्लास्ट हो जाएगा तो जल ही जाएगा। तो इन्हीं सभी दिक्कतों को कम करने के लिए, इन डेंजरस चीजों से बचने के लिए ही फोन का जो चार्जिंग रेट होता है वो कम होता जाता है जैसे ही वो 100% के पास पहुंचता रहता है। तो फोन की चार्जिंग के बारे में बात करें तो फोन की चार्जिंग अलग अलग स्टेजेस में होती है यानी जो उसकी इनिशियल शुरुआती स्टेज होती है 0% से, वो जिस तरीके से 0% में चार्ज होता है उससे अलग तरीके से चार्ज होता है जब वो 100% के पास पहुंच जाता है। यानी इसकी अलग अलग स्टेज होती है कि इस स्टेज में बैटरी को इतना करंट देना है, उस स्टेज में बैटरी को थोड़ा सा कम करंट देना है। अलग अलग स्टेजेस में चार्ज होती है आपके स्मार्टफोन की बैटरीज। तो सबसे पहली स्टेज इनिशियल स्टेज में यानी 70% तक, 0% से 70% चार्ज तक आपके फोन की बैटरी मैक्सिमम करंट को अपने अंदर ले सकती है यानी जितनी उस बैटरी का पोटेंशियल है, उसकी कैपेसिटी है, जितना करंट वो ले सकती है अपने अंदर 70% तक, 0 से लेकर 70% तक वो अपने अंदर आपके चार्जर से उतना करंट लेती है और खुद को चार्ज करती है यानी इस स्टेज के अंदर वो मैक्सिमम करंट को अपने अंदर ले सकती है। फिर 70% से 80-85% तक वो थोड़ा सा करंट कम करता है और 80-85% से लेके पूरी एंडिंग पॉइंट तक यानी 100% तक वो करंट और भी कम कर देता है क्योंकि उस पॉइंट पर आपके फोन की बैटरी में सबसे ज्यादा खतरा होता है कि काफी सारी गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है अगर काफी बुरी तरीके से करंट आपकी बैटरी में आता रहा तो। इसलिए जैसे जैसे आपका फोन आपके एंडिंग पॉइंट तक पहुंचता रहता है 98, 99, 100 वो करंट को काफी कम कर देता है उन गैसेस की वजह से कि वो गैसेस रिलीज ना हो और आपका फोन कहीं फट ना जाए और किसी का नुकसान ना हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो कि ऐसा क्यों होता है, इसके एक टाइम बाद आपकी रेट कम हो जाती है चार्जिंग की। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को क्योंकि मैं इस पर ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।